2023 से ग्राम पंचायत निलझो का रूपांतरण नगर पंचायत में हुआ, जिसके बाद प्रशासक के तौर पर मुख्य अधिकारी धनंजय सरनाइक की नियुक्ति की गई है, जहां स्थानीय पदाधिकारियों ने उनकी नियुक्ति पर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि स्थानीय जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जद्दोजहद के बाद आखिरकार निलझो ग्राम पंचायत का रूपांतरण नगर पंचायत में हो चुका है, जिसके चलते प्रशासक एवं मुख्य अधिकारी के रूप में धनंजय सरनाइक की नियुक्ति की गई है। इस समय स्थानीय पदाधिकारियों ने नवनियुक्त मुख्य अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए CEO सरनाइक ने जानकारी दी कि निलझो में जल समस्या के साथ ही कचरा संकलन की बड़ी मात्रा में समस्या है, जिसके कारण नगर विकास द्वारा निलझो की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, यह विश्वास भी उन्होंने इस वक्त दिया। निलझो ग्राम पंचायतीचे रूपांतर 9 ऑक्टोबर 2023 ला निलझो नगर पंचायत मध्ये झालेले आहे आणि त्याच्या प्रशासक पदाचा कार्यभार हा मी धनंजय अशोकराव सरनाईकला सोपवलेला आहे। तर सर्वप्रथम निलझो नगर पंचायत मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे खूप खूप अभिनंदन ग्राम पंचायतीचे रूपांतरण नगर पंचायतीमध्ये झाल्याबद्दल। निलझो नगर पंचायतीमध्ये आता मुख्यत्वे 2-3 समस्या आहेत, त्याच्यामधली सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे पाणी पुरवठा सुरळीत न होण्याची आहे। याकरिता शक्य तेवढे प्रयत्न आणि पाणी पुरवठा एक्झिस्टिंग स्कीम ही ऑगमेंट करणे, नवीन स्कीम लवकरात लवकर इम्प्लिमेंट करणे, त्याच्यासाठी आम्ही डिसेंबर 2023 टार्गेट ठेवलेलं आहे। या डिसेंबर 2023 ही योजना कार्यान्वित होण्याकरता शर्तीचे प्रयत्न करण्यात येतील। घनकचरा व्यवस्थापनाचा दुसरा हा महत्त्वाचा प्रश्न ह्या गावासाठी आहे, याकरिताही चांगली जागा निवडून किंवा विविध ग्रामपंचायतींचे क्लस्टर करून माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी याबाबतीत पुढाकार घेतलेला आहे, तर त्याबाबतीतही आम्ही नक्कीच प्राधान्याने प्रयत्न करू। आणि त्यानंतर सोबतच जे विकास कामं शहरासाठी गरजेचे आहेत ते नगर विकास विभागाच्या मार्फत विविध योजनांचा वापर करून आम्ही ते पूर्णत्वास नेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू। सर्व नगर पंचायतमध्ये राहणारे नागरिक यांचं मी अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो, धन्यवाद। अभी नगर पंचायत 2-3 दिन पहले बनी है, तो नगर पंचायत बनने के बाद में कुछ फॉर्मेलिटीज रहते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रहेगा, तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का एक पोर्टल है, तो उस पोर्टल में अभी भी ग्राम पंचायत का नाम है, तो हमने वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार जो है, जो ये पोर्टल चलाते हैं, उनको हमने एक अभी लेटर लिखा है कि हमारा वो नाम चेंज करके नगर पंचायत कर दो, तो उसमें जो भी टेक्निकल टाइम लगेगा वो टाइम के बाद में हम तुरंत वो काम इशू करना शुरू कर देंगे। ये सब कुछ तांत्रिक बाबी है, ये ट्रांजिशन के पीरियड में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। उसमें विभाग रचना ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है महाराष्ट्र की, उनके तरफ से जैसे ही डायरेक्शन प्राप्त होंगे उस तरीके से प्रभाग रचना उसकी आफ्टर डायरेक्शन हम करेंगे। उसमें कैसी प्रभाग रचना करनी चाहिए ये टाइम टू टाइम कमीशन के आदेश आते हैं उसके हिसाब से हो जाएगी। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष ठेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।